फिश करी बनाना आपको करता है परेशान। अगर फिश फ्राई करते समय कढ़ाई में चिपक जाती है या टूट जाती है तो फ्रेंड्स ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं जिस तरीके से फिश करी बना रही हूँ ना, यकीन मानिए फ्रेंड्स, आज के बाद ना तो आपकी फिश कढ़ाई में चिपकेगी और ना ही टूटेगी और सुपर डुपर टेस्टी बनकर तैयार होगी। आज से पहले आपने इस तरीके से फिश करी कभी ना बनाई होगी और ना देखी होगी और ना कभी खाई होगी, एकदम नया तरीका है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फिश करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 750 ग्राम फिश ली है और इनको अच्छे से क्लीन एंड वॉश कर लिया है। तो सबसे पहले हम सारी फिश को एक बड़े से बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे यहाँ 4 चम्मच बेसन और इसी के साथ डालेंगे इसमें आधा नींबू का रस, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1 छोटा चम्मच भरकर डाल देंगे हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। और 1 छोटा चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। और अब देखिएगा, सभी मसालों को हम फिश में इस तरीके से मिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी मसाले फिश के ऊपर अच्छे से कोट हो जाएं जब तक हमें इनको मिक्स करना है। तो इसके लिए देखिएगा, हम एक एक पीस को अच्छे से दोनों साइड से मसालों से इस तरीके से रब करेंगे। ये देखिएगा, अच्छी तरीके से हम मछली के चारों तरफ मसालों को लगा देंगे। हर एक पीस को देखिएगा, हम इसी तरीके से चारों तरफ से मसालों से कोट कर देंगे। मछली के जो पीस है वो मसालों से अच्छे से कोट हो जाने चाहिए। फ्रेंड्स, बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि जब वो फिश फ्राई करते हैं तो उनकी जो फिश है वो कढ़ाई में चिपक जाती है या फिर टूट जाती है, लेकिन आज के बाद आपकी फिश ना तो कढ़ाई में चिपकेगी और ना ही टूटेगी। बस मेरे बताए तरीके से आप एक बार ये फिश करी बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और अब देखिएगा, फिश में मसाले काफी अच्छी तरीके से लग गए हैं। ये देखिएगा, चारों तरफ से मसालों से कोट हो गई है। तो चलिए अब इनको साइड रखते हैं और करते हैं इसके लिए अगली तैयारी। तो यहाँ पर हमने एक मिक्सर जार ले लिया है और उसमें डाल देंगे 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच भरकर हम इसमें सरसों डाल देंगे। सरसों जो हमें यहाँ पर लेनी है वो मोटे दाने वाली लेनी है, बारीक दाने वाली नहीं लेनी है, उससे टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भरकर पॉपी सीड्स, 1 चम्मच जीरा डालेंगे और 10 से 12 यहाँ पर हम काली मिर्च डालेंगे। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 15 से 20 लहसुन की कलियाँ ली हैं, इनको भी डाल देंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने इसको इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है। 3 से 4 हरी मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे और हमें इसका यहाँ पर एक फाइन पेस्ट बनाना है। दरदरा पेस्ट हमको इसका नहीं बनाना है, तो चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है और ये देखिएगा कितना बढ़िया इसका पेस्ट बनकर तैयार हुआ है, एकदम फाइन पेस्ट बनकर इसका तैयार हुआ है। बस एकदम ऐसा ही पेस्ट हमको इसका बनाकर तैयार करना है। तो चलिए अब इसको भी साइड रखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने गैस पर एक कढ़ाई रख ली है और उसमें हम 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे और यहाँ पर हमें तेल को बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म करना है। और ये देखिएगा, तेल बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म हो गया है, आपको दिख रहा होगा तेल में से हल्का हल्का धुआं निकलने लगा है, बस इतना गर्म हमको यहाँ पर तेल चाहिए। तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी टिप्स है, जब तक कि तेल में से अच्छे से धुआं ना निकलने लगे हम उसमें फिश के पीस को नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमारा तेल बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म हो गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें से धुआं निकलने लगा है। तो हम एक एक करके यहाँ पर फिश के पीसों को ऐड कर देंगे और हम एकदम से इन पीसों को टच नहीं करेंगे। एक तरफ से लगभग 1 से 2 मिनट के लिए हम इनको फ्राई होने देंगे और उसी के बाद हम इनको पलटेंगे। एक बार में जितने पीस आराम से आ जाएँ उतने ही डालें। और अब देखिएगा, एक तरफ से फिश को फ्राई होते हुए लगभग 2 मिनट हो गए हैं। तो चलिए अब इन पीसों को हम पलटेंगे और ये देखिएगा कितने बढ़िया तरीके से हमारे फिश के पीस फ्राई हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं। ये देखिएगा, दोनों तरफ से बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई होंगे और आप कढ़ाई में तेल भी देख सकते हैं, बिल्कुल भी ये नहीं चिपके हैं। ये देखिएगा, और कलर भी इनमें बहुत ही अच्छा सा आ गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसी तरीके से हमने सारे पीसों को पलट दिया है और अब दूसरी तरफ से भी हम 2 मिनट के लिए पहले फिश को अच्छे से फ्राई होने देंगे। यहाँ पर देखिएगा, दूसरी साइड से भी इनको फ्राई होते हुए 2 मिनट हो गए हैं और अब देखिएगा, इसी तरीके से हम इनको अलट से पलटते हुए 2 मिनट के लिए और फ्राई कर लेंगे। ये देखिएगा, बहुत ही अच्छा सा इसमें गोल्डन कलर आ गया है, हमारी फिश भी बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है। तो चलिए अब इन सभी पीसों को हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। ये देखिएगा कितना बढ़िया हमारे पीस फ्राई हुए हैं और बहुत ही अच्छा सा इसमें कलर आ गया है। तो इसी तरीके से हम सभी मछली के पीसों को फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम देखिएगा अगला बैच भी फ्राई कर लेंगे और तेल हमको यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म चाहिए। तो एक एक पीस करके हम सभी पीसों को इसमें डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर देखिएगा, हमारा दूसरा बैच भी फ्राई हो गया है। ये देखिएगा कितनी अच्छी तरीके से फ्राई हुआ है। तो चलिए सभी पीसों को हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, कढ़ाई में ये वही तेल है जिसमें हमने फिश को फ्राई करा था और तेल अब अच्छे से गर्म हो गया है। तो इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच सरसों के दाने और 1/2 चम्मच जीरा और दोनों को अच्छे से तड़कने देंगे।
तो यहाँ पर सरसों और जीरा अच्छे से तड़क गए हैं, तो इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे दो बारीक कटी हुई प्याज। और अब प्याज को भी हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से भूनना है, जब तक कि ये गोल्डन कलर की ना हो जाए, जब तक हम प्याज को भूनेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम प्याज को भूनेंगे। और अब देखिएगा प्याज हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से भुन गई है, इस पर बहुत ही अच्छा सा एक गोल्डन कलर आ गया है, ये देखिएगा। बस इतना ही हमें प्याज को भूनना है। अब जो हमने पेस्ट बनाकर तैयार करा था उसको हम प्याज में डाल देंगे, और अब इस पेस्ट को भी हम प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए भूनेंगे। तो यहाँ पर हमें ये पेस्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है, जिससे कि इसके अंदर जितने भी मसाले हैं बहुत ही अच्छी तरीके से भुन जाएं। तो यहाँ पर देखिएगा पहले हम इसको मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे 2 मिनट के लिए, और उसके बाद हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और 8 से 10 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे। और अब देखिएगा जार में जो मसाले लगे थे उनमें हमने थोड़ा सा पानी डालकर उनको भी कढ़ाई में डाल दिया है, और अब सभी मसालों को पहले हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और बहुत ही अच्छी तरीके से हमें मसालों को भूनना है, क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से हमारे मसाले भुनेंगे ना, हमारी फिश करी भी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच भरकर डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर डाल देंगे, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, नमक हमने पहले भी डाला है तो इस बात का ध्यान रखें। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, और गैस की फ्लेम हमने इस टाइम पर बिल्कुल लो रखी है, लो फ्लेम पर ही हम सभी मसालों को भूनेंगे। तो पहले हम सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा सभी मसाले बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं, तो अब कढ़ाई को ढक देंगे और मसालों को कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर भूनेंगे, और बीच बीच में ढक्कन हटाकर मसालों को चलाते रहेंगे ताकि मसाले नीचे लगे ना। ये देखिएगा इस तरीके से बीच बीच में हम ढक्कन हटाकर इनको चेक करते रहेंगे और चलाते रहेंगे। तो कढ़ाई का ढक्कन हम फिर से लगा देंगे और मसालों को अच्छे से भुनने देंगे। और अब देखिएगा मसालों को भूनते हुए लगभग 8 मिनट हो गए हैं, और कढ़ाई का ढक्कन हटाकर देखते हैं, ये देखिएगा मसाले हमारे ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। ये देखिएगा मसालों ने ऑयल को बिल्कुल सेपरेट कर दिया है, बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे मसाले भुन गए हैं। अभी हम इसमें डालेंगे टमाटर, तो यहाँ पर देखिएगा मैंने 2 टमाटर को ग्रेट कर लिया था, इनको डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर टमाटर का पेस्ट भी ले सकते हैं, और अब टमाटर को भी हम अच्छे से मसालों के साथ मिक्स करेंगे, और टमाटर को भी हमें बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है। तो यहाँ पर देखिएगा पहले हमने मसालों को बहुत ही अच्छी तरीके से भूना, और अब टमाटर को भी हमें बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है। तो यहाँ पर इस तरीके से बाद में टमाटर डालने से होगा ये कि हमारा टमाटर भी बहुत ही अच्छी तरीके से भुन जाएगा, और मसालों को भी एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा भुनने के लिए, इससे हमारी जो सब्जी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर देखिएगा हमने कढ़ाई को फिर से ढक दिया है, और अब ये देखिएगा टमाटर भी हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से भुन गए हैं। ये देखिएगा टमाटर ने भी पूरा ऑयल को सेपरेट कर दिया है, सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से भुन गई हैं। ये देखिएगा मसालों में इस टाइम बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे मसाले भुन गए हैं। ये देखिएगा कलर भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे पानी, मैं यहाँ पर लगभग इसमें 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ। ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको एक बार पहले हम अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे, और ग्रेवी में हमें एक अच्छा सा उबाल लाना है। और यहाँ पर देखिएगा ग्रेवी में एक उबाल भी आ गया है, तो अब हम इसमें एक एक करके मछली के पीसों को डालेंगे। ये देखिएगा इस तरीके से हम एक एक करके सभी पीसेस को डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। और एक बार देखिएगा हम इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे ग्रेवी के साथ, ये देखिएगा इस तरीके से। फ्रेंड्स इस तरीके से जब आप फिश करी बनाएंगे ना, तो आपकी जो फिश के पीसेस हैं वो कभी भी नहीं टूटेंगे, और बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर टेस्टी आपकी फिश करी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर देखिएगा हमने सभी मछली के पीसों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो चलिए हम इनको ढक देते हैं, और लगभग 5 मिनट के लिए हम इनको मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। 5 मिनट में हमारी मछली पककर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और अब ये देखिएगा 5 मिनट के बाद हमने कढ़ाई का ढक्कन हटाया है, और वाओ कितनी बढ़िया हमारी फिश करी बनकर तैयार हुई है, लग रही है ना एकदम बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस। फ्रेंड्स जब हमने मछली को फ्राई किया था ना, तो मछली उसी टाइम पर पक चुकी थी, क्योंकि मछली को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पर देखिएगा हमारी फिश करी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई है, ये देखिएगा। तो चलिए अब डालते हैं ऊपर से इसमें फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, और इसको भी एक बार अच्छे से हम फिश करी में मिक्स कर लेंगे, ताकि जो धनिया का फ्लेवर है वो फिश करी में अच्छे से चला जाए। और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम कढ़ाई का ढक्कन फिर से लगा देंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और 2 मिनट के बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की बनाई फिश करी रेसिपी थोड़ी सी पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू।